दोस्तों के बेसडे हम आपसे भी साथ करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मारुति सुजुकी की कंपनी की तरफ से डायरेक्ट बम्पर भर्ती निकल के आ चुके हैं 2024 में। 2024 में दोस्तों ये पहला दोस्तों मारुति सुजुकी का भर्ती निकल के आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मारुति सुजुकी में जॉब चाहिए इस मौका को मत छोड़ो, ठीक है ना। तो जिस भी कैंडिडेट को मारुति सुजुकी में जॉब करना है, आप अगर इससे पहले अप्लाई नहीं किए हैं, न्यू कैंडिडेट है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस मौके को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो में बने रहे, मैं एक एक पॉइंट का जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूटी 8 घंटा 26 दिन आपका चलने वाला है कंपनी में। 8 घंटे से 1 मिनट भी आपको ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता दोस्तों कंपनी में। जो यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाएगा वो 30,866 रुपये पर मंथ आपको सैलरी इस कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन हैंड लगभग आपका 29,500 रुपये आ जाएगा। उसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाला, बेनिफिट्स पहले आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ कि दीपावली से बोनस आपको जो है यहाँ पे 22,000 रुपये पर ईयर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दीपावली बोनस अलग से 22,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद दीपावली गिफ्ट वगैरह जो भी आता है वो भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं रूम, खाना, बस, PF, ESI, OT, यूनिफॉर्म, शूज, ये सारा कुछ दोस्तों आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रूम दोस्तों कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, रूम का पैसा आपको दे दिया जाता है जो 4,200 रुपया आपको मिल जाएगा, जो 30,866 रुपया में ही 4,200 रुपया इसी में एड है। आप वहाँ पे अगर रूम लेंगे तो आपको 1,000 रुपया में रूम मिल जाएगा दोस्तों। मतलब आपको 4 बंदे या 3 बंदे मिला के आपको रूम लेना पड़ेगा, तब जाके आपको 1,000 रुपया पर बंदे पड़ जाएंगे, आपका 3,200 रुपया बच जाएगा, ठीक है। उसमें आपका जो भी खर्चा है वो खर्चा आ जाएगा, बाकी आपका जितने भी सैलरी है वो पूरा सैलरी बच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों PF वगैरह भी काटा जाता है, PF भी आपका लगभग इसमें दोस्तों लगभग 20-22 हज़ार रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर कंपनी में कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का भी पैसे आपको मिल जाता है। आप अगर कंपनी में एक बार काम किए हैं, अगर छोड़ दिए हैं, घर में बैठे हुए हैं, फिर भी दोस्तों कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट का पैसे आपको मिलते रहते हैं दोस्तों, कहीं आपका जाएगा नहीं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और इस कंपनी में जितना अभी सैलरी दे रहा है ना IT पास स्टूडेंट को, ठीक है ना, सिर्फ IT पास स्टूडेंट के लिए ये भर्ती है, उतना किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हैं कहीं पे भी आपको दोस्तों 30,866 रुपया 8 घंटे 26 दिन में, उसके बाद जो भी बेसिक फैसिलिटी है वो फैसिलिटी भी मिल रहा है, इतना ज़्यादा सैलरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मौके को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मारुति सुजुकी में अभी तो सिटी टेस्ट भी चल रहा है, मतलब इसमें परमानेंट होने का भी चांस रहता है। जो 2024 में परमानेंट होंगे उनका सिटी टेस्ट होने वाला है जो 17 और 18 फरवरी को, ठीक है। उसका मैं ऑलरेडी PDF बना चुका हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट जो है PDF खरीद भी चुके हैं। तो आप में से कोई अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF का प्राइस जो रखा गया वो 999 रखा गया, मतलब 999 रुपये में PDF आपको मिल जाएगा। PDF खरीदने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज कीजिए कि मुझे मारुति सुजुकी सिटी टेस्ट का PDF चाहिए, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। और इसी PDF से दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए परमानेंट होने का भी, ठीक है ना, और जो इससे पहले मारुति में जॉब नहीं किए उनको जॉब पाने का, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार विजिट किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करके रखें दोस्तों, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। आप अगर मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप अगर अदर किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स में अभी भर्ती चल रही है, जो लखनऊ में प्लांट है, जो जमशेदपुर में प्लांट है, और जो आपका गुजरात में प्लांट है, तीनों प्लांट में से कहीं भी आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना हो या जॉब करना हो तो मेरे से संपर्क कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको उसमें लगा दूंगा। सिर्फ 500 या 1,000 रुपये लेके ही मैं उसमें जॉब दिला देता हूं और अप्रेंटिसशिप में आपको भर्ती करा देता हूं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी में भर्ती चल रही है, बहुत सारी कंपनी का वीडियो जो है दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। उनमें से अगर किसी भी कंपनी में आपको करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा, मेरे से बात भी कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन होकर रखिएगा। जो टेलीग्राम चलाते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन चल को दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग मारुति सुजुकी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी नाम दे दिएगा मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। जॉब लोकेशन जॉब कराने वाला मानसर में एक प्लांट है और गुड़गांव में एक प्लांट है, तो दोनों प्लांट में से कहीं भी दोस्तों आपका जॉब लोकेशन दिया जा सकता है, जो हरियाणा स्टेट में आता है,
हरियाणा स्टेट में ही दोस्तों। और एक दोस्तों जो है मारुति सुजुकी का ऑलरेडी प्लांट बन के तैयार हो चुका है, जो 2025 में दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाला है। अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, मारुति सुजुकी रजिस्ट्रेशन फॉर एलिजिबल कैटेगरिया, इसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबल कैटेगरिया होना चाहिए आपके पास, जो आप इसमें जॉब पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास, अगर IT पास आउट स्टूडेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर NCVT से IT किए हैं या SCVT से किए हैं कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप गवर्नमेंट IT से IT किए हैं या प्राइवेट कॉलेज से IT किए हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो IT ट्रेड यहाँ पे दिया गया है वो फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीट मेटल टेक्नीशियन, ऑटोमेटिक मैनुफैक्चरिंग, ठीक है, अदर रिलेवेंट ट्रेड एज पर MISL रिक्वायरमेंट। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ट्रेड आपको लिखा दिएगा, तो ट्रेड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आपको दिखाई देंगे, जो भी वहाँ पे ट्रेड दिया हुआ रहेगा सारे ट्रेड वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें IT वालों के लिए कोई भी पासिंग ईयर नहीं मांगा जाता है, आप किसी भी ईयर पास किए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एज लिमिट इसमें होना चाहिए, एज लिमिट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका 18 से 26 साल तक ही आपका एज लिमिट होना चाहिए, ये ज्वाइनिंग टाइम तक आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपका 26 साल हो गया है फिर ज्वाइनिंग टाइम तक अगर आपका 27 साल हो गया तो फिर आपको इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, जो चीज़ मैं बताता हूँ कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जॉब ड्यूरेशन टाइम जॉब कराने वाला 7 मंथ, ये TW के लिए भर्ती है, जो टेम्पररी वर्कमैन होता है उसमें 7 मंथ के लिए ही आपको पहले लिया जाता है, फिर आपको 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फिर से आपको बुलाया जाता है TW2 के लिए, वो भी 7 मंथ का होता है। उसके बाद आपका जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सिटी टेस्ट होता है जो परमानेंट होने का, वो परमानेंट आप हो सकते हैं। अब मारुति सुजुकी में सैलरी और बेनिफिट्स क्या मिलने वाला वो ध्यान से आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन हैंड सैलरी जो आपको यहाँ पर 27,890 रुपये, नहीं अभी 29,500 रुपये इन हैंड सैलरी आ जाएगा, क्योंकि ये 2023 का सैलरी है, 2024 में बढ़ाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स, कैंटीन, बस, 2 टाइम आपको टी, ब्रेकफास्ट, दीपावली गिफ्ट, बनास, PF, SI2 पर ड्रेस आपको मिल जाएगा, 1 पर सेफ्टी शूज़ आपको मिल जाएगा, संडे आपका ऑफ रहने वाला, मतलब 8 घंटे 26 दिन आप काम करेंगे, बिंदास 4 दिन छुट्टी लेके रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस भी ध्यान से सुन लीजिए, इसमें सिलेक्शन कराने का भी पूरा जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से, जो टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका हूँ, जो आप फ्री में देख सकते हैं, 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पर्सनल आपका इंटरव्यू होगा HR टेक्निकल का, उसका भी 2 वीडियो मिलेंगे, दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिलाकर 4 वीडियो है, 4 वीडियो को देख लीजिएगा, आप आराम से जो है दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पावर एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है जिनका आंखों में कम दिखाई देता है उनको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग द्वारा आपका होने वाला। अब देखिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि मैं तो अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई भी कर देंगे, आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आपका वहाँ पे जाएंगे, जब पर एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा ना, उस टाइम आपका कलर रिविजन कराया जाता है, तो अगर उस टाइम आपको अगर दिखाई नहीं देता तो वहाँ से हटा दिया जाता है, तो आपका फिर क्या फ़ायदा होगा, आपका सारा खर्चा बेकार जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपको करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आपको जो लिया जा रहा है वो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए आपको लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन अप्लाई, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, जैसे कि आधार कार्ड, PAN कार्ड, 10 का मार्कशीट, IT का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सभी को TW फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रखें, और PDF और JPG फाइल अपलोड करें, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको साथ में रखना है अप्लाई करने के टाइम। लेकिन अप्लाई करने से पहले और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया गया ना, सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, चेक कर लेना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच नहीं है, जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, फादर्स नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, तभी जाके आपका दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी गलत है, एक अक्षर का भी अगर गलत है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं आप कभी भी दोबारा
मारुति सुजुकी में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो अप्लाई का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर शेयर कर देना, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं तो उनको फिलहाल जॉब मिल जाएगा। कोई अगर सिटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो मान के चले ऑलरेडी मारुति सुजुकी में अप्लाई करके रखे हैं, आपका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ठीक है, आपका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। ओनली 1500 रुपये आपको लगेंगे, आपको ओनली 1500 रुपये पहले देना पड़ेगा। मैं दोस्तों मारुति में आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा 15 डेज़ के अंदर, कितना 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। कोई नहीं करा पाएगा, मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो जिनको करना है ज्वाइनिंग, वो मुझे जो है दोस्तों व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। आप जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका आधार कार्ड नंबर होगा और मोबाइल नंबर जो आप दिए थे, वो तीन चीज़ आप मुझे भेज दीजिएगा, साथ में 1500 रुपया आपका दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक करते हैं, थैंक यू, जय दोस्तों।